हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज़। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन की तीन आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें है पहला रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। तो इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। टेक्सटाइल्स जो है हमारी लाइफ का मोस्ट इसेंशियल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें ना केवल कपड़े पहनने, बल्कि हमारे जो कर्टेंस होते हैं, हमारी बेडशीट होती हैं, हमारे डोरमेट्स होते हैं, या फिर हमारी गाड़ी के कवर होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उन सभी में कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स या फिर फैब्रिक का यूज़ होता ही है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। यूजुअली क्या होता है कि हम अपने मार्केट जाते हैं और हम परचेजिंग करते हैं गारमेंट्स की, तो हमें जैसे शॉपकीपर बोल देते हैं कि मैडम ये आपका सिल्क है, या फिर सर ये आपका कॉटन है, या आपका लिनन है, तो उसके सही क्लासिफिकेशन, उसकी सही नॉलेज, बेसिक नॉलेज हमें भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में। हम जानेंगे आज टेक्सटाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या क्या है। जो हमारे टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उन्हें बेसिकली ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल फाइबर्स और दूसरा है मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हम उन्हें कहेंगे जो हमें नेचर से एज इट इज़ प्राप्त होते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है और थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो नेचर में बहुत ही रॉ फॉर्म में होते हैं, जो गंदे हो जाते हैं, कहीं डस्ट लग गई, कहीं ऑयल का स्टेन लग गया उनके ऊपर, तो उनको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैन मेड फाइबर होते हैं वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ होते हैं, मतलब क्योंकि बना ही उन्हें इंसान रहा है, तो उन्हें सम सिचुएशंस में क्रिएट किया जाता है, मशीन्स के थ्रू, स्पिनरेट्स के थ्रू और केमिकल्स के थ्रू उनको बनाया जाता है, तो वो उसी फॉर्म में तैयार होकर निकलते हैं जैसे कि हमें आवश्यकता होती है। वो डाइड भी हो सकते हैं या फिर बिना कलर किए हुए हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर अपने नेचुरल कलर में मिलते हैं हमको। तो बेसिक हमने जाना कि टेक्सटाइल फाइबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में, नेचुरल जो हमें नेचर से और प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, और मैन मेड, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये केमिकल के थ्रू बने हुए होते हैं। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा वेजिटेबल सोर्स फाइबर्स, जो हमें शाक सब्जियों से या फिर पेड़ पौधों से मिलेंगे। दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स फाइबर, जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होंगे, जैसे कि भेड़ से, ऊंट से, या फिर बकरी से, या फिर हमारे रैबिट से, इनसे जो हमें सोर्स से प्राप्त होंगे वो हमारे होंगे एनिमल सोर्स वाले फाइबर्स। और तीसरा हमारे आते हैं मिनरल सोर्स से, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में खनिज हैं उनसे जो बनाए जाते हैं वो हमारे होते हैं मिनरल सोर्स वाले फाइबर्स। ये तो हमें नेचर से प्राप्त हो जाते हैं। और जब हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर हम इनके अन्य नाम देखते हैं, तो वेजिटेबल सोर्स जो हमारे फाइबर होते हैं उन्हें हम सेल्युलोज फाइबर भी कह सकते हैं, यानी कि ये हमें सेल्युलोज से प्राप्त होते हैं, जबकि एनिमल सोर्स फाइबर को हम प्रोटीन फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर से या उनकी स्किन से लिए जाते हैं, जैसे कि सिल्क है, जैसे कि हमारा ऊन है जो भेड़ से लिया जा रहा है। हमारा हेयर होता क्या है, बेसिकली होता तो प्रोटीन ही है, जो हमारे हेयर हैं उसमें केराटिन होता है, तो जो केराटिन है वो एक प्रोटीन है, तो एनिमल सोर्स फाइबर को हम प्रोटीन फाइबर्स भी कहेंगे। और जो हमारे मिनरल सोर्स हैं उन्हें हम एस्बेस्टस फाइबर कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं। और आगे हम बात करेंगे अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में। पहले हमने जाना नेचुरल फाइबर की क्लासिफिकेशन के बारे में, अब हम जानेंगे मैनमेड या फिर सिंथेटिक फाइबर के बारे में। जो मैनमेड फाइबर्स हैं इनको भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है,
ये बहुत इजी सा क्लासिफिकेशन है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि कितना कुछ है इसमें लर्न करने के लिए, कितनी सारी चीज़ें हैं, पर एक बार आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आगे के लिए आपको बिल्कुल याद रहेगा कि कौन सा नेचुरल होता है और कौन सा मैन मेड होता है। तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, और जो नॉन सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स होते हैं। आगे हम बात करेंगे सेलुलोज फाइबर्स के बारे में, जो कि हमें वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये हमें वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होते हैं, तो वेजिटेबल्स के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इनकी रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, चाहे लीफ होती है, चाहे फ्रूट होता है, तो उनसे अलग अलग तरीके के हमें फाइबर मिलते हैं। जैसे कि हुआ सीड फाइबर या फिर सीड हेयर, जैसे हमारी कॉटन बॉल्स होती हैं, रुई, वो हमें पौधे के अंदर एक बीज होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इनके द्वारा हमें हमें कॉटन प्राप्त होती है या फिर रुई प्राप्त होती है, क्योंकि ये सीड फॉर्म में होते हैं, बीज में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सीड हेयर कहते हैं। आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि चाहे आप नेट का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप TGT PGT का देने जा रहे हैं, या फिर आप BSc या फिर BA का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, इसमें आपको ये पूछे जाते हैं। टेक्सटाइल क्लासिफिकेशन में से आपको एक से दो सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेलुलोज फाइबर है वो हमें लीफ से भी मिलता है, जैसे कि हमारी बनाना लीफ कितनी बड़ी होती है, पाम लीफ कितनी बड़ी होती है, इन सभी में हमें फाइबर मिल जाता है, जो कि किसी न किसी प्रकार के वस्त्र को बनाने के लिए या फिर धागे को बनाने के लिए मददगार होता है। फ्रूट वाला जो हमारा फाइबर होता है वो हमें पाइनएप्पल से मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में हमें रेशे मिलते हैं। उन रेशों को ट्विस्ट करके, या तो जेड ट्विस्ट या एस ट्विस्ट, इन दोनों के द्वारा ट्विस्ट करके उनको क्लीन करके और एक धागा बना दिया जाता है। और हमारा फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन है स्टेम के द्वारा, जैसे कि जूट, जूट का पौधा काफ़ी लंबा होता है। हमारी जो रस्सियाँ होती हैं जूट की, वो जूट के तने से उसको भिगो कर, उसको पीट पीट कर, उसमें से जो धागा होता है उसको निकाला जाता है और उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इस तरीके से हमारे सेलुलोज फाइबर को तैयार किया जाता है। जो सेल्यूलोज फाइबर हैं इसमें सीड हेयर में, जैसे कि हम देख सकते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में, सीड हेयर हो या लीफ हो, उसमें कौन कौन से हमारे और सोर्सेज हैं या फिर उनको कैसे क्लासिफाई किया है उसको हम देखेंगे। जैसे सीड हेयर में हमारा आता है कॉटन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। स्टेम में हमें कहाँ से मिल जाएगा? स्टेम में हमें मिल जाएगा फ्लैक्स से, जूट से, हेम्प से या फिर रेमी से। ये सारे ही डिवीजन हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर में कि जो फ्लैक्स है वो कौन सा टाइप ऑफ फाइबर है, तो वो स्टेम से मिलता है हमें, वो सेल्यूलोज फाइबर है, वो वेजिटेबल सोर्स से मिल रहा है। तो इसके तीन आंसर हो सकते हैं, है ना? तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। जो हमें फ्रूट से मिलता है वो है कोयर, यानी कि जो हमारा नारियल होता है, नारियल जो गिरी वाला होता है, जिससे हम नारियल चटनी बनाते हैं, उसका जो ऊपर का टाइट टाइट कवर होता है, जिसको निकालना बड़ा टफ होता है, वही वही होता है कोयर। उसके द्वारा भी पता है धागा बनाया जाता है, और उस धागे को हम किसी रस्सी के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। हमारा नेचर इतना रिच है कि हमारे पास सारी चीज़ें पहले से हैं। अगर हम मैनमेड फाइबर ना भी यूज़ करें तो भी हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ को इजी कर देती हैं। लीफ में हमारे पास हो सकती है, जैसे पाइनएप्पल लीफ हो गई, बनाना लीफ हो गई, ये इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इनमें से धागा निकालना या रेशा निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है। और हमारी जो प्रोटीन फाइबर्स हैं उनको हम दो में क्लासिफाई करेंगे। अभी तक हमने जाना था सेलुलोज फाइबर के बारे में। प्रोटीन फाइबर में हमारे पास होंगे या तो हेयर से जो मिलेंगे, जैसे कि भेड़ की ऊन मिल जाए हमें, या ऊँट से मिल जाए हमें, या फिर रैबिट से मिल जाए हमें, तो वो हम उनके हेयर से हम ले रहे हैं। और दूसरा है हमारा कोकून।
कोकून यानी कि हमारा जो सिल्क मिलता है हमें, कोकून से मिलता है हमें सिल्क, जो शहतूत के पेड़ पर रहता है ना। तो फाइबर हमें प्रोटीन फाइबर या फिर एनिमल सोर्स फाइबर, इन दो टाइप से हमें प्राप्त हो सकते हैं। जो हमारे हेयर हैं उसमें आ जाएगा वुल, जैसे कि शीप की वुल, क्योंकि हमारी जो शीप होती है उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी में वुल होती है। लेकिन ये वुल भी, जैसे कि आप अगर स्टमक साइड से, उसके पेट से ले रहे हैं या उसके थाई से ले रहे हैं या उसकी पीठ से ले रहे हैं, इसके भी अलग टाइप होते हैं जो कि अलग अलग कॉस्ट के बेसिस पर मार्केट में बेची जाती है। सिल्क, कोकून से हमें सिल्क मिलता है ना। और जो हेयर में हमें मिलता है वो है मोहर, मोहेर हमें मिलता है अंगोरा गोट से। ये सारे ही पॉइंट्स एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर नोट डाउन करें। तो हमें मोहेर किससे मिल रहा है? अंगोरा गोट से। आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया कि वुल किससे मिलता है हमें, शीप से मिलता है, अंगोरा गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है, या फिर कोई और नाम दे दिया उनसे मिलता है, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो वो कश्मीरा जो मिलता है वो कश्मीर गोट से मिलता है, कश्मीरी हमें कश्मीरी गोट से मिलता है। गोट भी क्या है, जैसे कि हर साइड पे अलग अलग तरीके की होती हैं, तो कश्मीरी गोट से हमें अलग तरीके का मिलता है। और हेयर से हमें मिलता है लामा, लामा हमें कैमल फैमिली से मिलता है। कैमल फैमिली से हमें क्या मिलेगा? लामा। तो हमें ये याद रखना है कौन कौन से हेयर या कौन कौन से जो हमारे प्रोटीन सोर्स ऑफ फाइबर हैं वो किस एनिमल से लिए जाते हैं। और लास्ट में हमारा आता है हेयर में अंगोरा, अंगोरा हमें मिलता है रैबिट से। तो रैबिट हमें देगा अंगोरा हेयर या फिर प्रोटीन फाइबर जो एनिमल सोर्स में आता है। कोकून जो हमें सिल्क देता है, सिल्क भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो कल्टीवेटेड सिल्क या जिसे हम मलबरी सिल्क भी कहते हैं, और दूसरी हमारी आ जाती है इसमें वाइल्ड सिल्क। वाइल्ड सिल्क यानी कि जो हमें नेचर में एज इट इज़ मिल रही है, जिसका हमें पालन नहीं करना पड़ रहा। जैसे सेरिकल्चर में हमें जो हमारे कोकून्स होते हैं उनको पालना होता है ना, तब हमें मलबरी सिल्क मिलती है। वाइल्ड सिल्क हमें नेचर में मिलती है जो रॉ फॉर्म में होती है, वो इतनी लस्चरस यानी कि इतनी चमकदार नहीं होती है, वो थोड़ी सी डल होती है देखने में। तो जो वाइल्ड सिल्क है उसमें आता है आपका एरी, दूसरा हमारा आता है मूंगा। जो एरी और मूंगा है ये हमारे वाइल्ड सिल्क में आती हैं। और थर्ड हमारा आता है टसर। ये तीनों ही अलग अलग टाइप या फिर अलग अलग क्वालिटी की सिल्क होती हैं। फिर हम आते हैं मैन मेड फाइबर में। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अभी तक नेचुरल सोर्स फाइबर के बारे में। नेचुरल सोर्स में हमने देखा था कि तीन टाइप का होता है, एक होता है हमारा सेलुलोज वाला, दूसरा होता है प्रोटीन वाला, तीसरा होता है हमारा मिनरल वाला। तो हमने उन सबको कवर कर लिया। अब हम आते हैं मैन मेड फाइबर में। मैन मेड फाइबर में हमें दो टाइप्स में फाइबर्स को डिवाइड किया है। पहला है सिंथेटिक फाइबर और दूसरा है नॉन सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को हम थर्मोप्लास्टिक या फिर सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। आगे जब हम नॉन सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करते हैं, तो नॉन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नॉन थर्मोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि अगर आप उनको हीट को प्रोवाइड करेंगे तो वो सेट नहीं होंगे, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा नेचुरल सोर्स मिक्स किया जाता है। जैसे कि आपको थोड़े केमिकल्स ले लिए और थोड़ा सा नेचुरल सोर्स ले लिया, तब उन दोनों को मिक्स करके जो फाइबर बनता है वो हमारा नॉन थर्मोप्लास्टिक या नॉन सिंथेटिक फाइबर होता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं, है ना, पॉलीमर चिप्स भी यूज़ हो रही हैं और इनको स्पिनरिट्स के थ्रू पास किया जा रहा है। तो इसीलिए हम इनको, प्रोसीजर वही है, केमिकल्स भी हैं, इसीलिए हम इनको मैनमेड फाइबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें भी तीन टाइप की होंगी हमारे, पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है मिसलेनियस। सेल्यूलोज में आ गया रेयॉन, जो रीजनरेटेड सेल्यूलोज होता है, और जो सेल्यूलोज ईस्टर होता है वो है पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन। ये दो जो आपके
रिजनरेटेड सेल्यूलोज किसे कहते हैं और सेल्यूलोज ईस्टर, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। तो आपको ये दोनों नाम किसका कौन सा है वो ज़रूर याद रखना है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। मिसलेनियस में आपका आ गया जैसे ग्लास है, रबर है, ये हमारा मिसलेनियस में आ जाता है। तो आज हमने बेसिकली जाना टेक्सटाइल फाइबर का पूरा क्लासिफिकेशन। तो आगे आप अगर मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप कुछ लेने भी नहीं जा रहे हैं, अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैब्रिक है, गारमेंट है, जो भी आपके पास है, उसको आप असेस कर पाएंगे, जान पाएंगे टेक्सटाइल फाइबर के इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जो भी मार्केट जाकर कपड़े लेते हैं तो पहले तो आप इनके बेसिस पर जांचें और देखें कि कौन सा फाइबर कौन सा है, क्योंकि हम जब देखते हैं जानते हैं तो हमें जो सेलर है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और दूसरी बात, अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं कि मैनमेड फाइबर जो है वो किस तरीके से प्रोसेस करके बनाया जाता है जो हमारे एनवायरमेंट और प्लस हमारी बॉडी और स्किन के लिए हार्मफुल है, तो आप उसको परचेज ना करके उसको अवॉइड करके आप नेचुरल सोर्स वाले फाइबर लें, क्योंकि एक तो ये हमारे नेचर से एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरा जो लोग इन्हें बनाते हैं, जो तैयार करते हैं, वो कारीगर बहुत मेहनत करते हैं। तो इसीलिए आई विल प्रेफर, अगर मैं जाऊंगी मार्केट तो मैं नेचुरल सोर्स फाइबर लूंगी। और आपसे को भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी आगे भविष्य में जब भी फाइबर्स कोई भी फैब्रिक लेने जाएं तो इस चीज़ को कंसीडर करें। आपको अगर मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।